देखिए भसीन साहब, मेरा प्रश्न आपसे एक बार फिर होगा, पिरामिड एंटरप्राइजेस को मैं इनफैक्ट ऑलमोस्ट आप देखिए ना, आज से नहीं, आप इसको देखिए 2005 से, आप देखिए 2002 से, ये एक वेल्थ क्रिएटर रहा है, एक लॉन्ग ओनली स्टॉक रहा है, लेकिन इस बार के एनबीएफसी के क्राइसिस में एक डैमेज इसमें भी हुआ था, 3200 रुपये से स्टॉक ऑलमोस्ट आधा 1800 हो गया था, लेकिन अब एक धीरे धीरे कैचअप आ रहा है। 2368 के प्राइस में आपका इंटरेस्ट है क्या इसमें? बिल्कुल, पेडिग्री नाम है और आपने देखा है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एंड दे आर इन ऑल द बिजनेसेस, जहां पे एनबीएफसी फियास्को में यू नो यू कांट कलर एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, जो वीकर हैंड्स थे वो निकल गए हैं। हमें अभी भी लगता है इंडिया बुल हाउसिंग और ये दोनों विल विदस्टैंड ऑल प्रॉब्लम्स एंड दे विल कम आउट अनस्केटेड। तो ये दोनों पेडिग्री नाम्स हैं, यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई एंड ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो। साथ में ये लेके चलो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्स्ट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। आगे जाते हुए अगर यूएस बॉन्ड यील्ड 2.55 पे आ गया तो मैं दावे से कहता हूं रेट हाइक छोड़िए, अगले जून में आपको शायद रेट कट मिल जाएगा वहां। इस कारण से हमारे यहां तो यील्ड्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सॉफ्टर और साथ में आरबीआई इज डेफिनेटली वेरी वेरी प्रोएक्टिव। तो दीज आर गोइंग टू बी पेडिग्री स्टॉक्स जिनके लिए एक बहाना मिला आपको लेने के लिए, ये पिरामिल एंड इंडिया बुल हाउसिंग।